उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने शहर का निरीक्षण किया। दोपहर बाद हुए इस निरीक्षण में उपायुक्त ने नगर परिषद से बस स्टैंड के समीप बनी 84 दुकानों की डिटेल मांगी है। साथ ही नगर परिषद को इन खोखा धारकों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त प्रजापति ने बताया कि बैठक के माध्यम से खाली पड़ी इन दुकानों को भरने का हल निकालने पर मंथन करने को कहा गया है। इसके अलावा उपायुक्त ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण का भी जायजा लिया है। प्रजापति ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बाजार में जगह जगह दुकानदारी सड़कों पर सजी देखने को भी मिली है। दुकानदार ज्यादातर प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे और मनमर्जी से निर्धारित सीमा के बाहर आ पहुंचे हैं। इस पर उपायुक्त ने कुछ एक दुकानदारों को कड़ी हिदायत भी दी है। हालांकि प्रशासन ने इस पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की है, केवल दुकानदारों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। शहर में हुए इस निरीक्षण से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दुकानदारों ने सड़कों पर सजाया अपना सामान भी समेट लिया। प्रजापति ने बताया कि अब जल्द प्रशासन शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाएगा, जिसके तहत अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त कर जुर्माना भी ठोका जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी, जो समय समय पर शहर का मुआयना करेगी। शहर में किए गए इस निरीक्षण में उपायुक्त के साथ एसडीएम अरिंदम चौधरी व नगर परिषद ईओ विनोद कुमार शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कल उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जहां एसडीएम साहब और एडीएम साहब थे, और उसमें नगर परिषद के कर्मचारी और मुझे भी बुलाया गया था। तो वहां उन्होंने बाजार के गतिविधियों के बारे में जायजा लिया, जिसमें उन्होंने क्या क्या स्कीमें चल रही हैं और क्या बाजार में गतिविधियां हैं, और साथ ही उसके उपरांत मीटिंग के बैठक के इमीडिएट उपरांत जो है बाजार में उपायुक्त महोदय ने एसडीएम साहब के साथ और हमारे साथ जो था एक निरीक्षण किया कि बाजार की अतिक्रमण के बारे में भी देखा गया, और जो 84 दुकानें लगभग जो बस स्टैंड के सामने बनी हुई हैं और आज तक आवंटित नहीं हुई, उनका भी निरीक्षण किया गया।